सो हे गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आपको पता होगा गॉटलाइक अभी ओवरऑल स्टैंडिंग में 18th पोजीशन पे है विद 121 पॉइंट्स एंड अब उन्हें रिमेनिंग 5 मैचेस में अराउंड 70 पॉइंट्स सिक्योर करना है। तो इसी को लेकर बहुत लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि अब गॉटलाइक क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। तो इसी का स्पीड रिप्लाई करते हुए बताया है कि अब क्वालिफिकेशन थोड़ा टफ हो गया है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा उनकी साइड से। एंड इसी टॉपिक पर आईफ्लिक्स एंड कीकी भी अपने रिसेंट स्ट्रीम में रिप्लाई किए हैं, तो वो क्लिप आप देखिए। गॉटलाइक यहां पे ब्रो, सो गॉटलाइक इज हैविंग अ 12.1 एज देयर यू नो एवरेज रेट which they have to definitely improve, definitely. तो उनकी जो दो मैचेस है वो दो मैचेस नहीं चुननी चाहिए, अगर चुन दिया ना ये दो मैचेस, 12 में 121 है ना तो डिफिकल्टी पड़ेगी उनको। सो 10 में 121 ओके ब्रो, स्टिल दे आर डूइंग देयर गुड बट नॉट द बेस्ट ऑफ कोर्स। विल गॉडलाइक क्वालिफाई? यश गेमर गॉडलाइक क्वालिफाई करेगा पूछेगा तो उनकी बाकी गेम्स के ऊपर है, उनके लिए दिक्कत तो है, बट अच्छी बात ये है कि उनकी पांचों मैचेस अभी भी बचा हुआ है और उनका अभी की अराउंड 12 के एवरेज चल रहा है, उनको वो 13 और 14 तक पहुंचाएंगे तो हो जाएंगे। बाकी पांचों मैचेस में यू नो एक भी चिकन डिनर और बाकी आराम से खेल लिया तो भी आई थिंक वो लोग हैशटैग 14 13 में आ जाएंगे, पहुंचेंगे। 15 पॉइंट्स मिनिमम पर मैच चाहिए ब्रो, डर लग रहा है भाई वो भी है यार, ये क्वालीफाई करना है, ये सब भाई बहुत हेडेक वाला काम है यार। कोई नहीं भाई, ये सब तो जरूरी है क्वालीफाई होना। एंड गाइस वन मोर थिंग, आपको ही पता होगा अभी कॉम्पिटेटिव में डीबीएस का कितना ज्यादा यूज हो रहा है, जिसमें कि फाइट ऑलमोस्ट वन साइडेड ही हो जाती है। एंड इसी पर अभी स्पीडो भी रिएक्ट करते हुए बताया है कि डीबीएस इज स्पॉइलिंग द गेम, देयर इज वेरी लेस इंटेंसिटी इन द क्लचेस, एवरीवन इज क्लचिंग लाइक एनीथिंग, देयर यूज्ड टू बी अ टाइम वेयर द गेम वाज नॉट डिपेंडेड ऑन वन गन। एंड इस पर जस्टिन भी अपने रिसेंट स्ट्रीम में रिएक्ट करते हैं, तो वो क्लिप आप देखिए। भाई डीबीएस बैन करवा दो, मेरा भी प्लान यही है, मैं तो चाहता हूं डीबीएस गेम से ही बैन हो जाए, कॉम्पी वॉम्पी से नहीं, मैं तो गेम से ही बैन हो जाए ब्रो। कोई कंपटीशन नहीं है किसी के साथ, जो एक एम यार मेरे हिसाब से सारे अच्छा चला लेते आज के डेट में। लेकिन भाई वैसे यूएमपी अच्छा काउंटर करेगी डीवीएस को आई थिंक, बाकी आप बताओ। मेरे हिसाब से डीवीएस को काउंटर करने के लिए यूएमपी अच्छे करने, बट लेकिन इतना वो नहीं है, वो जैसे डीवीएस है ना वन शॉट ही है। सो गाइस इस टॉपिक पर आपके क्या थॉट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। एंड वैसे कल के दिन हमें टीम इंसेन का क्या ही डोमिनेशन देखने को मिला था, सो आज देखते हैं आज सारी टीम्स का कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है। एंड फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, एंड ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।